हेलो एंड वेलकम टू डाय स्टडी टूडे आई विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आज हम देखने वाले हैं जो लास्ट टेन अमेंडमेंट हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है उसके बारे में आज हम डिटेल्स देखेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को so, सो हम नाइन्टी फिफ्थ शुरू करते हैं ओके वन हंड्रेड एंड फाइव तक हुआ हुआ है sorry, 104 तक हुआ है सॉरी तक सब उनको डिटेल में देख लेते हैं ओके okay? एक्ट of 2009 सो so, जो नाइन्टी फिफ्थमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नाइन्टी फिफ्थ बार जब कॉन्स्टिट्यूशन तो वो पर प्रेसिडेंट के साइन के साथ हुआ है मतलब वो पास हो गया है इसीलिए उसे एक्ट कहते हैं 2009 में ये हुआ था ये क्या कहता है एक्सटेंड द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अनदर 10 ईयर अप टू 2020 ओके okay, सो so 95th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड किया गया तब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है एंग्लो अमेरिकन का लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उनका रिजर्वेशन 10 साल तक बढ़ा बढ़ाया गया ओके okay, जो 26 जनवरी 2020 तक हुआ है ओके okay, सो so 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ट्राइबल एरिया जो लोगो है उनको प्रोटेक्शन देने की उनको रिजर्वेशन को और बढ़ावा देने के लिए एक्ट की गई अल्टीमेटली यह हुआ था टू थाउजेंड नाइन को फोर्थ अगस्त में और ये प्रेसिडेंट का एसेंट मिला अल्टीमेटली इसका जो काम शुरू हुआ ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड टेन से एंड ये एक्ट अल्टीमेटली एक्सपायर हुआ छब्बीस जनवरी दो हजार बीस में सो अभी ये एक्ट खत्म हो गया अब इसके लिए नया एक्सटेंशन किया गया है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2011 में यहाँ पर क्या किया गया उड़िया सो so, उड़िया उड़ीसा जो राज्य है उसका उड़िया स्पेलिंग को उड़िया किया गया ओ डी आई वाई ए किया गया फॉर उड़िया लैंग्वेज इन द शैल बी प्रोनाउंस उड़िया क्योंकि उड़िया लैंग्वेज को उड़िया कह कर कॉन्स्टिट्यूशन में बुलावा चाहता था तो, तो उसको चेंज करके ODIA को चेंज कर कर ODIYA किया गया ओके ओडिशा असेंबली हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन अनिमिनसली ऑन अगस्त 28 2008 यूनियन गवर्नमेंट टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द नेंग्वेज ऑफ द स्टेट मिसर्स्ट एंड एथ शेड्यूल भारत के संविधान के फर्स्ट एंड एथ शेड्यूल में इसका जो स्पेलिंग है नाइंटी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट किया गया जहां पर उड़िया जो स्पेलिंग है उसे चेंज किया गया ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नाइन्टी सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ये भी हुआ था टू थाउजेंड इलेवन में रिलेटिंग टू द को ऑपरेटिटिव टर्न प्रोग्रेस इन रूरल इंडिया सो रूरल इंडिया में जो क्राउ है पर जो एनजीओ uh, हैं या रूरल एक्टिविटीज को प्रोमोट करने के लिए वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और प्रोमोट करने के लिए ये एक्ट किया गया ये क्या चाहता है इट एम्स टू ओवरऑल ऑल प्रॉब्लम ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम बाय द सोसाइटीज एंड ब्रिंग अबाउट एन एफिशियंट वे टू मैनेज दिम सो गांव में सिर्फ खेती बाड़ी करना या जो एनिमल्स हैं एनिमल हजबेंड्री ये दोनों काम थे लेकिन इसके अलावा कुछ काम नहीं थे तो उन गांव को और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोमोट करना उनको कोऑपरेटिव के द्वारा हेल्प देना उनको कुछ नए काम सिखाना ये सब रूरल प्रॉब्लम्स, रूरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसे सॉल्व करने के लिए नाइनटी अमेंडमेंट एक्ट किया गया नेक्स्ट है नाइन्टी अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था टू थाउजेंड थर्टीन में यहाँ पर क्या किया गया Article 3371J was inserted in the constitution to empower the governor of Karnataka to take steps to develop the Hyderabad Karnataka region, including six backward districts of North Karnataka, Jesse like Belleri, Badar, uh, Gulbara, Kopala, Rachiur, and uh, Yagad, uh, ओके सो इन एरियाज़ को मेन मोटो क्या था 371 जे में जो एक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल पावर दी गई है कर्नाटक का गवर्नर को कि वो इस हैदराबाद कर्नाटक रीजन को और डेवलप करे और प्रमोट करे वो कैसे और आगे आ पाए वो रीजन इसलिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 371 आर्टिकल में बहुत सारे क्लॉजेस हैं 371 से 370 बहुत सारे क्लॉजेस जे इंक्लूड किया गया और अल्टीमेटली कर्नाटक और हैदराबाद रीजन को और डेवलप करने की बात की गई है ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट है जो था नेशनल अपॉइंटमेंट बनाना 98 तो है, लेकिन जो बाद में इसे खारिज कर दिया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या था? 99th जो 2014 में पास हुआ था यहां पर क्या किया गया था एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की कोशिश घोषित की गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा क्यों क्योंकि भारत के संविधान में Uh, कौन uh, कौन लोग आ uh, uh, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिलेक्ट करेंगे इसके बारे में कोई अलग से कमीशन नहीं थी तो उनके लिए अलग एक कमीशन बनाने की कोशिश की गई सो so, ये अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू थर्ड मेजोरिटी के साथ 2014 में और ये अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो तब थे उन्होंने भी इसे, किया. Of, uh, भी इसे एसे एसेंट किया सम्मति दिया और ये अल्टीमेटली फोर्स for 2015 में फिफ्टीन okay. में लेकिन ये बाद में इसे बंद किया गया ओके द नाइनटी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड न्यू Amendment एक्ट so, के दौरान a में सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है वहां पर एक एनजेसी का कैसे composition होगा इसके बारे में बताया गया लेकिन अल्टीमेटली ये जो एन जे ऑर्गेनाइजेशन है इसे अल्टीमेटली बैन किया गया नेक्स्ट okay? देखते हैं 100th Amendment एक्ट जो 2015 में हुआ था यहाँ पर क्या किया गया गिव इफेक्टिव टू द एक्विरििंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अदर टेरिटरीज टू बांग्लादेश थ्रू द एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स एंड रिटेंशन ऑफ एडवर्स पोसेशंस इन पर्सवेंस ऑफ द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 एंड इट्स प्रोटोकॉल 2011 सो तो 100 जो अमेंडमेंट एक्ट था 2015 में वो क्या करता है जो टेरिटोरीज एक्ट है हमारे इंडिया एंड बांग्लादेश के उनको अपने जो territories है उसे ट्रांसफर करने की बात की गई है जो ये इंडिया का territory है और ये बांग्लादेश का सो so, इन दोनों में इंटरचेंज करने की बात की गई है ओके सो एक्सचेंज में क्या होगा लैंड बाउंड्रीज मतलब इंडिया कुछ एरिया बांग्लादेश को देगी बांग्लादेश के कुछ एरिया इंडिया लेगी सो so, ये एग्रीमेंट बाउंड्री एग्रीमेंट एक्ट को प्रोटोकॉल को टू थाउजेंड में ये उसे पढ़ावा गया ओके बाउंड्री एग्रीमेंट जो था सेवनटीन नाइन

गुड एंड सर्विस टैक्स चीजों के ऊपर जीएसटी लगाई गई इंडिया में ओके okay? कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे इस रेगुलेशन के हिसाब से टैक्स लगेगा आपसे ओके okay? जो 2017 से लगा इट रिप्लेसेज ऑल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड ऑन गुड एंड सर्विसेज बाय इंडियन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार अनुसार क्या करेंगे वो अपने टैक्स को बैठाएंगे सो ओके सो ये पास कब हुआ थर्ड अगस्त टू थाउजेंडी में ये एक्ट पास हुआ ये इसको एसेंट मिला एट सेप्टेम्बर टू में

कमीशन बनाने की बात की गई था वो था नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन जो समाज में एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनको प्रमोट करने के लिए उनको समाज में आगे लाने के लिए एक्ट एक्ट एक बॉडी बनाने की कोशिश की गई और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बॉडी उस body का नाम था अ कमीशन फॉर द सोशली बैकवर्ड क्लासेस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस सो जो uh, S. S. को छोड़कर जो अदर क्लासेस हैं वो भी बैकवर्ड है उनको कैसे स्टेटस दे समाज में कैसे राइट्स दे इनके बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है okay? ओके okay. यहां पर क्या किया गया इट प्रोवाइड फॉर टेन परसेंट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द अनरिजर्व कैटेगरी सो अनिजर्व कैटेगरी रिजर्वेशन की बात की है जो गवर्नमेंट जॉब्स है वहाँ पर एस सी एस टी के लिए एस सी के लिए फिफ्टीन परसेंट एस टी के लिए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ओबीसी के लिए ट्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन है लेकिन जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है जो बिलोंग करते हैं जनरल कास्ट से लेकिन उनका इकोनॉमिकली वो आगे नहीं है उनके लिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई है गवर्नमेंट जॉब में The Act amends Article 15 and 16 to provide for reservation based on economic backwardness. Article 15 and 16 में बताया गया है कि कास्ट के बेसिस में रिजर्वेशन लेकिन आर्टिकल 15 एंड 16 को एमेंड करके यहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी एक अमेंडमेंट का एक रिजर्वेशन uh, की बात की गई है ओके okay? Okay, the constitution of India, one hundred and fourth amendment, one hundred and fourth amendment act extended by ten years the deadline of the सेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिब्लीस फॉर कास्ट एंड सीड्यूल ट्राइब्स कास्ट एंड सीड्यूल ट्राइब का जो कॉन्स्टिट्यूशन था एक्ट था जहां पर क्या किया गया नाइन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान हमने पढ़ा था कि उस एक्ट के दौरान का जो सीड्यूल कास्ट एंड एंड ट्राइब को उनको और दस साल आगे किया गया उनका रिजर्वेशन सिस्टम को ओके सो so, जो लैब्स हो रहा था टू में और उसे अब क्या किया गया उसे रिन्यू करके और उसका टाइम पीरियड 10 साल बढ़ाया गया ओके okay? सो so, ये एक्ट पास हुआ था ट्वेल्थ ऑफ दिसंबर 2019 में ये इसको एसेंट मिला 2020 का फर्स्ट डॉट 21 जनवरी एंड ये अल्टीमेटली ये एक्ट uh, कब से लागू हुआ 25th जनवरी ऑफ 2020 सो so, इससे लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव या सारे देश में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का रिजर्वेशन के टाइम पीरियड को और बढ़ाया गया ओके नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 105 ओके okay? हमने अब तक पढ़ा एंड लास्ट था 105th, 95th से सो अमेंडमेंट so, uh, में क्या किया गया यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद अब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ग्रांटेड एंड उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट को साइन किया, और यहाँ पर क्या किया गया विच एम्पावर स्टेट्स टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस हमारे देश में स्टेट्स ठीक करेंगे कि कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन है